नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में नतीजों से पहले अखिलेश यादव की तरफ से एक खास बयान जारी कर दिया गया। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने यहां पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और वोट डालने के दौरान हो रही खामियों को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश यादव, जारी हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, आंकड़े भी सामने निकल करके आ चुके हैं, लेकिन नतीजों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखित बयान जारी कर मतदान में धांधली के आरोप लगाए हैं। इस बयान में उन्होंने निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। इससे पहले भी सपा ने दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सपा अध्यक्ष ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर निकाय चुनावों में जमकर धांधली की गई। प्रशासन और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहे। बीजेपी की ओर से भय और आतंक का माहौल बनाया गया। मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने के लिए कहा गया। कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली। अखिलेश ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रामपुर और स्वार विधानसभा में निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं होने दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी एक चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी थी, जो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही चुनाव आयोग को भेजी गई थी। इसमें सपा की ओर से चुनाव आयोग को लेकर के जो है कई सारे आशंका जताई गई थी, जो कि यहाँ पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल नतीजों से पहले यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए बयान को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अखिलेश यादव को लेकर के खास रिपोर्ट साझा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त काफी दिलचस्प मोड जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।